दोस्तों, लाल किला भारत के ऐतिहासिक किलों में से एक है। देश विदेश से इस किले को देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किला जो इस समय लाल रंग का है, वो पहले लाल नहीं बल्कि सफेद हुआ करता था। तो फिर इसे लाल क्यों किया गया, इसका पुराना नाम क्या है, चलिए जानते हैं। लाल किला को शाहजहां ने वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी से बनवाया था। 1648 में जब लाल किला को बनवाया जा रहा था, उस समय इसका रंग सफेद था, क्योंकि लाल किला सफेद रंग के पत्थरों से बना हुआ है, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है। और दोस्तों, उस समय लाल किला को लाल किला नहीं बल्कि किला मुबारक कहा जाता था। लेकिन काफी समय बीतने के बाद इन सफेद पत्थरों का रंग उतरने लगा, तो किले की सुंदरता खराब होने लगी। तब तक भारत में ब्रिटिश शासन आ गया था। फिर अंग्रेजों ने इस किले को लाल रंग का करवा दिया, तब से इस किले को लाल किला कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आप इस किले के अंदर गए होंगे तो इसके अंदर कई इमारतें हैं, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, हीरा महल और रंग महल जैसे कई इमारतें हैं। और आपने देखा होगा कि इन इमारतों का रंग आज भी सफेद है। दोस्तों, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शुरू करवाई थी। इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। यहां पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया था। इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला। इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय लगा। देश के आजादी के बाद भी इस किले का महत्व कम नहीं हुआ। इसका उपयोग भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाने लगा। साथ ही यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। और आज भी इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं।